Hello dear students, in this lecture we will do some different properties of the DTFT. Now here is the frequency shift theorem. In frequency shift theorem, that is, we will do some shifting in the frequency. So agar x of n aapka input hai, to iska DTFT ki value x of j omega e to the power j omega hota hai. Therefore e to the power agar j omega not n hota hai into xn hai, to iska Fourier DTFT ki value kya hoti, that is, jahan e to the power j omega tha, to omega ki jagah kya ho jayega, omega minus omega not. To chaliye isko proof karte hain. हम दे सकते हैं आपका इनपुट क्या है, ये हुआ है, तो इस इनपुट को आपने फॉर्मूले पुट कर दिया, दैट इज एक्स ऑफ एन में आपने ये वैल्यू पुट कर दी. अब क्या करना है, सिंपल सा कि आपकी जो वैल्यू दी हुई है इसमें आपने यू टी दावर जे ओमेगा नॉट एन और यू टी दावर माइनस जे ओमेगा एन है, तो आपने क्या किया, यू टी दावर माइनस जे एन को क्या करिए, कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा. तो हम देख सकते हैं इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, एक्स ऑफ यू टी दावर जे ओमेगा होती है, लेकिन ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है. देयरफॉर हम क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ यू टी दावर जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, क्योंकि देख सकते हैं अगर एक्स ऑफ एन है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ यू टी दावर जे ओमेगा होता है. तो हमारे एक्स ऑफ एन यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, तो इस पूरे का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा होगा, लेकिन ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस नॉट है, इसलिए आपकी वैल्यू क्या हो गई, यू टी दावर जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. सो दिस इज द डीटीएफटी ऑफ शिफ्ट और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट थ्योरम. नाउ हम बात करते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के बारे में. तो टाइम रिवर्सल, अगर एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा हो रहा है, तो रिवर्सल दैट इज एक्स ऑफ माइनस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा. तो ये आपकी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी हो जाएगी. वही हम अगर डिफ्रेंसिएशन इन फ्रिक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी डोमेन क्या आपका, ये फ्रिक्वेंसी डोमेन होगा, तो अगर हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, आपको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में टी एक्स ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन निकाला था. अब यहाँ पे आप जो डी टी एफ निकाल रहे हैं वो है एन एक्स एन, क्योंकि एन टी को रिप्लेस कर दिए इसमें एन से. तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसकी ये वैल्यू कैसे आएगी. तो हमें जैसा ही फॉर्मूला मालूम है डी टी एफ टी का, समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन होता है. तो आपने क्या किया कि दोनों तरफ डी ओमेगा से आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो ये आपको ओमेगा डी ओमेगा बाहर हो गया, ये आपके एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन हो गया. नाउ हमको किसका करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, एक्स ऑफ एन तो बाहर हो जाएगा क्योंकि उसमें ओमेगा नहीं है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन को, और डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन तो उसी का उसी तरह बना रहेगा, और जो ओमेगा के जो वैल्यू है दैट इज माइनस जे और एन, वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, दैट इज माइनस जे और एन, आप देख सकते हैं एन और ये आपका माइनस जे आपके नीचे की ओर आ गया डिफरेंशिएट करने के बाद, और ये एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन हो गया, और हम देख सकते हैं माइनस जे बाहर हो गया, और हम देखते हैं कि ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और ये जो वैल्यू आपकी दी हुई है